हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमृता और आप सभी देख रहे हैं टारगेट एट वन। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश का बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोनाउन। आज इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोनाउन की डेफिनेशन, प्रोनाउंस के टाइप्स और ईच टाइप के एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि वॉट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइस, सबसे पहले बात करी जाए डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन की अगर डेफिनेशन जो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं वो ये है, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो यूज़ होता हो नाउन की जगह पे। अगर नाउन दो बार रिपीट हो रहा है तो वहाँ पर आप प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास दो सीट्स हैं जो सिर्फ आपके लिए अलॉटेड हैं। अगर इस सीट पर आप बैठ जाते हैं तो ये सीट हमेशा खाली रह जाती है, ठीक है ना। तो इस जगह पर अगर आप किसी और को बिठा देते हैं जो बिल्कुल आपकी तरह काम करे तो वो होगा प्रोनाउन, ठीक है ना। तो प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन की जगह पर यूज़ होता है। नाउन आप सभी को पता होगा कि द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड अ प्रोनाउन, ठीक है ना। तो प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह पर यूज़ होता है। तो नाउन को हम क्यों यूज़ कर सॉरी प्रोनाउन का यूज़ क्यों होता है गाइस? जब भी हमारे सेंटेंस में नाउन का रिपीटेशन हो, यानी एक ही नाउन अगर बार बार यूज़ हो रही हो, तो वहाँ पर हम नाउन की रिपीटेशन रोकने के लिए, यानी कि टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ अ नाउन, ऑलवेज अ प्रोनाउन इज यूज, ठीक है ना। तो ये हुआ जनरल सा कॉन्सेप्ट आपका, जो ऑलमोस्ट 90 to 95% स्टूडेंट्स को पता होता है। तो प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है वो हमने अभी जानी, अब जानेंगे हम उनके एग्जाम्पल्स। तो प्रोनाउन के एग्जाम्पल है शी, ही, दे, इट, हर, हिज, हिम और इट्स। तो ये थे कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स आपके प्रोनाउन के। आगे बढ़ चलते हैं, आगे बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, हमारे इंग्लिश ग्रामर में टोटल 9 टाइप्स के प्रोनाउंस की बात की गई है। तो पहले एक एक करके हम देख लेते हैं प्रोनाउंस के टाइप्स के बारे में, और फिर हम आगे चल के डिस्कस करेंगे एक एक टाइप के बारे में डिटेल्स में। तो प्रोनाउन के जो टाइप्स है, पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है पजेसिव प्रोनाउन, तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, चौथा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पाँचवा है रिलेटिव प्रोनाउन, छठा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, सातवां है इंटेंसिव और इम्फैटिक प्रोनाउन, आठवां है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, नवा है इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो यहाँ हमने देखिए कुल 9 टाइप्स के प्रोनाउन्स। आगे बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा पर्सनल प्रोनाउन। अभी हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। तो पर्सनल प्रोनाउन मीन्स होता है ऐसे शब्द या ऐसे वर्ड्स जो एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा हो। जैसे कोई भी वर्ड आपका, जैसे आपने कहा ही इज़ अ बॉय, तो बॉय जो हमारा है ऑब्जेक्ट, उसके लिए जो वर्ड है यूज़ ही पर्सनली डिनोट कर रहा है बॉय के लिए। तो ये क्या हुआ? पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है ना। तो पर्सनल प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो जनरली डायरेक्टली यूज़ होता है किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए या फिर ग्रुप ऑफ थिंग्स के लिए, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका जनरल सा डेफिनेशन। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो पर्सनल प्रोनाउंस के एग्जाम्पल होते हैं ही, आई, शी, यू, इट, दे, मी, हु, हिम, हुम, हर, देम, एक्सेट्रा। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स आपके पर्सनल प्रोनाउन के। फॉर एग्जाम्पल, आपको हिम यूज़ करना हो तो आप कैसे यूज़ करेंगे? आई नीड अ पेन फ्रॉम हिम, यानी कि मुझे उससे एक पेन चाहिए था। तो आपने डायरेक्टली डिनोट किया एक पर्सन को, ठीक है ना, कि मुझे उससे पेन चाहिए था। तो ये है आपका पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन को आप तीन तरीके से यूज़ करते हैं। पहला है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकेंड पर्सन और तीसरा है थर्ड पर्सन। फ्रेंड्स, हिंदी में आप इसको प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष के नाम से जानते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। तो फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलता है अपने बारे, जो बोलता है स्टेटमेंट, वो होता है हमारा फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन की जगह पे आपको वर्ड्स मिलेंगे आई, वी, मी और अस, ये डिनोट करते हैं फर्स्ट पर्सन को। अगर सेकंड पर्सन की बात की जाए तो सेकंड पर्सन वो होता है जिसको बोला जा रहा है, यानी जिससे हम बात कर रहे हैं वो होगा आपका सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन होगा वो जिसके बारे में बात करी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, ए, बी और सी, तीन लोग हैं आपके सामने। ए है आपका फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, बी है आपका सेकंड पर्सन जिससे बात करी जा रही है, और सी है वो थर्ड पर्सन जिसके बारे में आप उसकी बातें कर रहे हैं।
तो थर्ड पर्सन की जगह पे आपके जो वर्ड्स यूज़ होंगे, जहाँ पर आपको समझ जाना है कि यहाँ पे थर्ड पर्सन है, वो है शी ही दे इट हर हिम देम। तो ये हुआ आपके थर्ड पर्सन। सेकेंड पर्सन की जगह पे वर्ड आएंगे यू, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका पर्सनल प्रोनाउन का कुछ कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है गाइस पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स। तो पर्सनल प्रोनाउन का जो एग्जाम्पल है, शी इज़ एन इंटेलिजेंट टीचर। टीचर है, टीचर को डायरेक्टली डिनोट किया जा रहा है, जो आपका वर्ड है शी, है ना। शी वर्ड आपका डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है टीचर को, तो ये हुआ आपका पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट है आपका दे वर गोइंग टू मार्केट। तो डे आप दे जो वर्ड है आपका डायरेक्टली मार्केट के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये है आपका पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट है आपका ही ब्रॉट सम नाइस बुक्स, यानी कि उसने कुछ नाइस बुक्स लाई हैं, ठीक है ना। शी शाउटेड फॉर हेल्प, यानी कि उसने चिल्लाया है मदद के लिए, तो शी जो है ये डायरेक्टली यूज़ हो रहा है हेल्प को डिनोट करने के लिए। तो ये है कुछ आपके पर्सनल प्रोनाउंस। अब बात करते हैं कि अगर पर्सनल प्रोनाउन आपका सिंगुलर फर्स्ट पर्सन में आपको यूज़ करना हो सब्जेक्टिव केस में, तो आप कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप इस टेबल के थ्रू समझ सकते हैं गाइस, ये आपका टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसके स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम में फिलर्स आते हैं ना, वो इन्हीं के बेसिस पे आते हैं। जैसे अगर फर्स्ट पर्सन की बात करी जाए, अगर पर्सनल प्रोनाउन आपका सब्जेक्टिव केस में है, तो वहाँ पर आपको आई वर्ड देखने को मिलेगा। जैसे आई लाइक टी, आई लाइक कॉफ़ी, तो आई है आपका सब्जेक्ट, तो फिर यहाँ पर आपका पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ। अगर मी आपका आता है तो सॉरी, अगर आपको पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करना है, तो वहाँ पर आपको मी यूज़ करना पड़ेगा। जैसे शी इज़ राइटिंग ऑन मी, यानी कि वो मेरे ऊपर लिख रहा है। कभी कभी बच्चे ऐसे होते हैं ना, शैतान बच्चे, जो किसी के हाथ पे लिख लेते हैं, है ना। तो मी जो हुआ, तो शी तो आपका हो गया, शी या ही हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और मी जो हो गया वो सॉरी आपका शी जो है वो सब्जेक्ट हो गया, और मी जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। सिमिलरली सेकेंड पर्सन की अगर बात करी जाए, तो सेकेंड पर्सन सब्जेक्टिव केस में होगा पर्सनल प्रोनाउन यू, और ऑब्जेक्टिव केस में भी होगा यू, ठीक है ना। थर्ड पर्सन में अगर बात करी जाए पर्सनल प्रोनाउन की, तो होगा ही शी और इट, और अगर ऑब्जेक्टिव केस में देखा जाए तो होगा हिम हर और इट। सिमिलरली प्लूरल अगर केस में देखा जाए, प्लूरल्स के केस में पर्सनल प्रोनाउन को, तो फर्स्ट पर्सन में वी होगा, सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में अस होगा। ठीक उसी प्रकार सेकेंड पर्सन अगर बात करी जाए पर्सनल प्रोनाउन की, तो प्लूरल के केस में सब्जेक्टिव होगा यू, और ऑब्जेक्टिव केस में होगा पर्सनल प्रोनाउन यू। यानी कि अगर सेकेंड पर्सन सिंगुलर होता है, सेकेंड पर्सन प्लूरल होता है, दोनों में ही यू यू ही होगा, चाहे वो सब्जेक्टिव केस हो या फिर ऑब्जेक्टिव केस हो। सिमिलरली थर्ड पर्सन की बात करी जाए, तो सब्जेक्टिव होगा दे और ऑब्जेक्टिव होगा देम, ठीक है ना। तो ये कुछ जनरल सा कॉन्सेप्ट है आपका पर्सनल प्रोनाउन का। आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है गाइज आपका पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है ना। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, ऐसा प्रोनाउन जहाँ पर आपको एक रिलेशन देखने को मिले, यानी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मिले नाउन के साथ में। कोई भी ऐसा वर्ड जो आपकी स्पीच में, आपके सेंटेंस में यूज़ हो रहा है, जो नाउन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है, कोई भी लेटर, तो वो होगा आपका पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है ना। तो एक आपको एक छोटा सा डेफिनेशन जो आपको यहाँ पे याद रखना है, वो ये है कि अ पजेसिव प्रोनाउन डिस्क्राइब्स अ क्लोज पजेशन और एन ओनरशिप ऑफ और रिलेशनशिप टू अ नाउन। यानी कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन के साथ में कनेक्शन या रिलेशन शो कर रहा है, वो होगा आपका पजेसिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, हिज, योर्स, हर्स, माइन, आवर्स, देयर्स, माइन, ये सारे वर्ड ऐसे हैं जो पोजेशन पोजेशन के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ योर्स, ये बुक किसकी है, आपकी है, ठीक है। तो आपका जो है वो कनेक्शन है दिस के साथ और बुक के साथ भी, तो यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है नाउन के साथ में शो कर रहा है, तो ये हुआ योर्स आपका पोजेसिव प्रोनाउन। सिमिलरली दिस लैपटॉप इज़ माइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट कार इज़ हर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दीज हाउस शेयर आवर्स नॉट देयर्स। नेक्स्ट है ही लॉस्ट हिज बुक्स, ही नीड्स योर, यानी कि उसने अपनी बुक लॉस्ट कर दी, खो दी, और उसे अब तुम्हारी बुक चाहिए। तो यहाँ पे योर्स जो वर्ड है, हर्स हो गया, माइन हो गया, ये सारे वर्ड्स क्या है, डायरेक्ट रिलेशन दिखा रहे हैं नाउन का वर्ड्स के साथ में, ठीक है ना।
तो अब देख लेते हैं पजेसिव प्रोनाउन सिंगुलर के केस में फर्स्ट पर्सन की तरह हमें कैसे यूज़ करना है। अगर फर्स्ट पर्सन की बात की जाए पजेसिव प्रोनाउन में तो होगा माइन, सेकेंड पर्सन की बात की जाए सिंगुलर के केस में तो होगा योर्स, थर्ड पर्सन की बात की जाए सिंगुलर के केस में तो होगा हिज, हर्स और इट्स। सिमिलरली प्लूरल के केस में अगर पजेसिव प्रोनाउन को फर्स्ट पर्सन में लिखना हो हमें तो हम लिखेंगे आवर्स, और सेकेंड पर्सन में लिखना हो तो योर्स, और थर्ड पर्सन में लिखना हो तो देयर्स। ठीक है ना, जैसे द हाउस शेयर्स आवर्स नॉट देयर्स, तो ये क्या है आपका थर्ड पर्सन। ठीक है ना, आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है गाइज आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वॉट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? ये प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो एक्सप्रेस करता है नाउन को, यानी जब भी कोई सब्जेक्ट एक्शन करता है या कोई एक्ट करता है तो उसका असर डायरेक्टली सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है, तो उसी के बारे में बात करी जा रही है। रिफ्लेक्सिव मीन्स होता है रिफ्लेक्ट करना, किसी भी चीज़ का अगर डायरेक्ट जो असर है इम्पैक्ट है अगर सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता हो तो इस टाइप के नाउन को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है ना, तो ये वो आपका जनरल सा कॉन्सेप्ट जो आप सभी को पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, यानी कोई भी ऐसा वर्ड जिसके पीछे योर्स, आवर्स, हिम सेल्फ ही लगा हो या सेल्फ लगा हो वो सारे वर्ड होंगे आपके क्या, वो सारे होंगे आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाले हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट और या फिर जब भी कोई सब्जेक्ट एक्सप्रेस करता है तो उसका जो इंटर रिलेशन है या जो इंटर इन्फ्लुएंस होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के ऊपर ही पड़ता है। जैसे अगर मैंने कहा शी वॉज लुकिंग टू हर सेल्फ, यानी वो अपनी ही पिक्चर में देख रही थी खुद को, शी वॉज लुकिंग टू हर सेल्फ इन द पिक्चर। ठीक है, यानी कि उस पिक्चर में वो खुद को देख रही थी, तो वो औरत जो जिस लेडी की बात की जा रही है वो लेडी खुद के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही थी, तो ये हुआ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि रिफ्लेक्ट होना, जो आप दूसरों को देंगे वो आप तक रिफ्लेक्ट बैक होकर आएगा। ठीक है ना, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं शी लॉक्ड हर सेल्फ इन अ रूम। नेक्स्ट है शी प्रिपेयर्ड हिम सेल्फ फॉर द टेस्ट। नेक्स्ट है दे कंसिडर्ड देम सेल्फ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि उसने कंसिडर किया खुद को हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड के रूप में। तो यहाँ पे सिंपली आपको याद रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जो रिफ्लेक्ट बैक करता है। ठीक है ना, जैसे आई माई सेल्फ, योर सेल्फ, तो किसी भी वर्ड के पीछे एक ट्रिक ट्रिक है जो आप याद कर सकते हैं, अगर आपके फिलर्स में दिया हो कहीं पर भी योर सेल्फ, हर सेल्फ, ये किस टाइप के वर्ड्स है, तो दीज आर प्रोनाउंस, विच काइंड ऑफ प्रोनाउंस आर दीज, तो दीज आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब इस चार्ट को देख लेते हैं गाइस, जितने भी चार्ट आपके सामने आ रहे हैं स्लाइड्स में वो सभी आपको हेल्प देने वाले हैं फिलर्स को फिल करने में। ठीक है ना, तो सब सिंगुलर के केस में अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को देखें फर्स्ट पर्सन के केस में तो होगा आई, ऑब्जेक्टिव केस में सॉरी आपका पजेसिव केस में होगा माई सेल्फ। सिमिलरली अगर सब्जेक्ट के केस में देखें सिंगुलर के सेकंड पर्सन को तो होगा यू, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में देखेंगे तो योर सेल्फ होगा। तो आपको जस्ट ये रखना है कि कोई भी वर्ड हो आपका वी, यू, दे, शी, इट, उसके बाद आपको जस्ट सेल्फ लगा देना है सिंगुलर में, और अगर प्लूरल में है तो सेल्फ्स लगा देना है, बस इतना सा आपको याद रखना है, तो वहाँ पर क्या होगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है ना, आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल मीन्स वॉट? अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज वेन टू और मोर नाउन्स, यानी कि सब्जेक्ट्स आर रेसिप्रोकेटिंग टू ईच अदर और वन अनदर इन सम एक्शन। कोई भी एक्शन में अगर दो सब्जेक्ट्स या दो नाउन्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो यानी कि अपोजिट हो, तो इस टाइप के जो नाउन्स है, इस टाइप की जो प्रोनाउन्स है, उन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज इफ टू और मोर सब्जेक्ट्स एक्ट इन अ सेम मैनर टूवर्ड्स ईच अदर और वन अनदर, यानी कोई भी ऐसा एक्ट होता है जिसमें दो से ज़्यादा सब्जेक्ट एक ही मैटर के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो वो होता है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो यहाँ पे दो प्रकार के आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, पहला वन अनदर और दूसरा होता है ईच अदर, यानी दो बेसिकली रेसिप्रोकल प्रोनाउन से अपने इंग्लिश ग्रामर में वन अनदर और दूसरा ईच अदर। तो आपको सिर्फ ये दो वर्ड्स याद रखने हैं, वन अनदर और दूसरा ईच अदर। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, पहला एग्जाम्पल है हमारा टू गर्ल्स पुश्ड ईच अदर, यानी दो गर्ल्स जो हैं एक दूसरे को धक्का मार रही हैं, तो ये दो सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहा है जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है ना, सिमिलरली सारा एंड जॉन लव ईच अदर,
तो इन दोनों के जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की बात करी जा रही है, तो ये हुआ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट है आपका द पीपल इन द पैंट्री, सॉरी द पीपल इन द पार्टी ग्रीटेड वन अनदर, यानी जो पार्टी के पीपल थे उन्होंने एक दूसरे को ग्रीट किया, ठीक है ना। नेक्स्ट है टू स्टूडेंट्स इन एन एग्जाम कॉपीड फ्रॉम वन अदर, यानी जो स्टूडेंट्स जो थे एग्जाम के उन्होंने एक दूसरे को कॉपी किया। लास्ट है आपका द टू बॉल्स इन द स्नूकर टेबल कोलाइडेड विद वन अनदर, यानी कि जो स्नूकर का टेबल था वहाँ पे जो बॉल थी एक दूसरे से टकरा गई। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस मीन्स वो होता है गाइस, एक सिंपल लाइन में आपको याद रखना है कि जब दो सब्जेक्ट्स का एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट पड़े और वहाँ पे सिर्फ दो वर्ड्स आपके यूज़ होते हैं, वन अनदर और ईच अदर। आई होप इतना आपको सभी को क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव मीन्स होता है एक ऐसा प्रोनाउन जिसमें रिलेशन शो करे नाउन और मॉडिफायर के बीच में। मॉडिफायर वो होता है जो मॉडिफाई करता है, लिमिटाइज करता है किसी भी नाउन को, ठीक है ना। जैसे कि लेस होता है, हु होता है, वॉट, जो जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन की फीलिंग आए, ठीक है ना, तो वो सारे होंगे आपके रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इंग्लिश ग्रामर बेसिक के लिए। तो रिलेटिव प्रोनाउन इज़ अ वर्ड इन विच इज़ यूज इन रिलेशन टू अ नाउन और मॉडिफायर, यानी एक मॉडिफायर और नाउन के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको क्रिएट करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। और रिलेटिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस दैट ज्वाइन रिलेटिव क्लॉजेस एंड रिलेटिव सेंटेंसेस, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो दो क्लॉजेस या फिर दो रिलेटिव सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, वो होते हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल विच, हु, दैट, हुम, हुज, ये सारे क्या हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउंस, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस, दो क्लॉजेस या फिर दो नाउन और मॉडिफायर्स को जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ द गर्ल हु सिंग्स सॉन्ग्स, तो आपका दो स्टेट दो क्लॉज है, शी सिंग्स सॉन्ग्स और दूसरा शी इज़ द गर्ल। इसको जो जोड़ने वाला वर्ड है वो है आपका हु, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है गाइज इसके बारे में, नेक्स्ट है आपका द वर्ड हु इज अबव एग्जाम्पल इज रिलेटिव प्रोनाउन दैट मॉडिफाइज और टेल अबाउट द नाउन। यहाँ पे जो आपका वर्ड है गाइज, जो वर्ड है हु, ये क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है जो नाउन है गर्ल उसके बारे में, ठीक है ना। और जो आपका वर्ड है हु वो दो क्लॉजेस को जोड़ता है, तो ये हुआ आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इट इज़ द डॉग विच बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, यानी वो डॉग है जो अजनबियों के ऊपर भौंकता है। तो विच जो है वो आपका दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, तो ये हुआ आपका रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द गर्ल हु इज़ वॉकिंग इन द गार्डन इज़ वेरी ब्यूटिफुल, यानी जो गार्डन में लड़की चल रही है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। नेक्स्ट है आपका इट इज़ द लैपटॉप विच आई मेक द मोर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे वर द पीपल हु हैड कम आउट ऑफ द स्ट्राइक। तो यहाँ पे आपने देखा रेसिप्रोकल प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल्स। आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है गाइज हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सबसे ज़्यादा इजी प्रोनाउन है, क्योंकि ये पॉइंट आउट करता है किसी नाउन को, थिंग को, या फिर किसी भी एक जो आपका सब्जेक्ट है उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल दैट, दिस, दोज, दीज, नन, नाइदर, एक्सेट्रा, जहाँ पर भी किसी नाउन को डायरेक्टली पॉइंट आउट करता है तो वो होगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इन शॉर्ट डिस्टेंसेस इन टर्म्स ऑफ टाइम, जैसे कि कुछ छोटे टाइम डिस्टेंसेस के लिए हम वर्ड करते हैं दीज, दिस, दीज, ये सारे वर्ड्स क्या कहलाएंगे आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर हम लार्ज लार्ज डिस्टेंसेस या फिर लॉन्ग डिस्टेंसेस की बात करते हैं तो दैट या फिर दोज कहते हैं। जैसे आप किसी सामने कोई चीज़ रखी हो तो आप कहेंगे दिस इज़ अ पेन, अगर दूर रखी हो तो दैट इज़ अ पेन, ठीक है ना। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस इज़ अ बुक, दैट इज़ अ कार, दीज आर डक्स एंड दोज आर बर्ड्स, कैन यू सी दैट। तो ये सारे आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के, ठीक है ना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज़ होता है। डेमोन्स्ट्रेट मीन्स दर्शाने के लिए, कोई चीज़ अगर आपके पास है, कोई चीज़ अगर आपके दूर है, जैसे दे, दीज, दैट, दोज, तो ये सारे वर्ड्स आपके क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आप सभी को। नेक्स्ट पे बढ़ चलते हैं आगे, इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट मीन्स होता है जहाँ पे डेफिनेटली आपको कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं होगी, जहाँ पे आपको कंफर्मेशन की फीलिंग नहीं आती, वो होता है आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह ये सब बिल्कुल नहीं है दैट जो कि एक स्पेसिफिक आइटम की तरफ इशारा करता था, बल्कि इनडेफिनेट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं दैट आर यूज फॉर नॉन स्पेसिफिक थिंग्स, यानी जब भी आप किसी चीज़ के बारे में स्पेसिफिक नहीं होते
वहाँ पर आप यूज़ करते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस को। तो दिस इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्रोनाउंस, ये जो होते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन, ये सबसे बड़े ग्रुप के प्रोनाउंस होते हैं, यानी कि इनकी कैटेगरी में काफ़ी सारे प्रोनाउंस यूज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑल, सम, एनी, सेवरल, एनी वन, नो बडी, ईच, बोथ, फ्यू, आइदर, एन, वन एंड नो, नो वन आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं गाइज सेंटेंसेस में। समबडी मस्ट हैव सीन द ड्राइवर लीव, यानी किसी ने भी ड्राइवर को जाते हुए देखा। तो समबडी जो है आपका, ये है आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन, यानी समबडी मतलब कौन, आपने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि किसने देखा है, आपने कहा समबडी मतलब कोई तो होगा, है ना, तो ये है आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन। सेकेंड, अगर आप देखें वी आर ऑल इन द गटर बट सम ऑफ अस आर लुकिंग एट द स्टेयर्स, जब भी आपके कभी वर्ड यूज़ हो जहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं मेंशन कर रहे हैं तो वो होगा आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन। नाम से ही क्लियर है इनडेफिनेट, ठीक है ना। लास्ट है आई हैव नथिंग टू डिक्लेयर एक्सेप्ट माई जीनियस, यानी कि मेरे पास कुछ भी डिक्लेयर करने के लिए एक्सेप्ट माई जीनियस के बारे में, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेशन मीन्स होता है जब भी आप किसी क्वेश्चन की टाइप की, इंटेरोगेशन मीन्स होता है पूछना, ठीक है ना, जब या बात करना, तो जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन वर्ड्स दिखाई दे वहाँ पे आपको तुरंत माइंड में स्ट्राइक कर लेना है कि दिस इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज इन क्वेश्चन, जब भी हम किसी क्वेश्चन की फीलिंग लाते हैं तो वहाँ पर हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। तो दे आर, इन्हें हम प्रोनाउंस की तरह क्लासिफाई करते हैं, और बहुत ज़्यादा ईजी होता है इनको आइडेंटिफाई करना गाइस, क्योंकि यहाँ पे आपको वर्ड्स मिलते हैं हु, विच, व्हाट, वेयर, हाउ, तो जहाँ पर भी इंटरोगेशन यानी कि क्वेश्चन की फीलिंग आए वो सारे क्वेश्चन वर्ड्स यानी कि डब्ल्यू एच वाले जितने भी वर्ड्स आते हैं आपके वो होते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल हु टोल्ड यू टू डू दैट, तो हु जो है आपका वो है इंटरोगेटिव, क्योंकि ये पूछ रहा है कि किसने कहा था तुम्हें ये काम करने को, ठीक है। नेक्स्ट आपका विच डॉग वॉन द रेस, यानी कौन से डॉगी ने आपकी रेस जीती, ठीक है ना, तो ये है आपके कुछ इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के यूजेस। नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट है हमारा इंटेंसिव और इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउंस मीन्स होता है गाइज, इन्हें हम इंटेंसिव भी कहते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे यानी कि अगर कोई नाउन है और कोई या फिर प्रोनाउन है, जब भी ये सेंटेंस में यूज़ होंगे तो बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज करते हैं आपके सब्जेक्ट के ऊपर, यानी हद से ज़्यादा इम्फेसाइज करना, नाम से ही क्लियर है इम्फैटिक और इंटेंसिव। इंटेंस मीन्स क्या होता है, किसी लिमिट से ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं तो वो होगा इंटेंस, जैसे इंटेंस पेन यानी बर्दाश्त की क्षमता से जब ज़्यादा पेन हो तो वो होगा आपका इंटेंस पेन। तो इंटेंस मीन्स होता है लिमिट से ज़्यादा, तो यहाँ पर आपके इंटेंस मीन्स है रिफर्स, जब भी इंटेंसिव प्रोनाउन है वो रिफर बैक करता है टू अनदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस टू एम्फेसाइज, यानी किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के ऊपर एम्फेसाइज करने के लिए यानी कि फोकस देने के लिए, बल देने के लिए जो प्रोनाउन यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड इंटेंसिव या फिर इम्फैटिक प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल टू एम्फेसाइज दैट इट इज़ द थिंग कैरिंग आउट द एक्शन, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जॉन बेक्स ऑल द ब्रेड हिमसेल्फ, यानी जॉन ने ब्रेड तो बेक किया, ये तो जॉन की बात है, हिमसेल्फ यानी कि खुद से, यानी कि जो हम प्रेशराइज कर रहे हैं इस बात पे कि उसने ब्रेड को बेक किया खुद से, तो हम यहाँ पर वर्ड यूज कर रहे हैं हिमसेल्फ। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल द कैट ओपन द डोर, यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो इंटेंसिव प्रोनाउन है हिमसेल्फ, उसने जो फोकस किया था वो डायरेक्टली जॉन पे किया था, सिमिलरली द कैट ओपन द डोर, तो कैट है उसके ऊपर फोकस करने के लिए इटसेल्फ जो है वो वर्ड यूज़ किया गया। तो ये थे गाइस इंटेंसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया पूरे 9 टाइप्स के प्रोनाउंस के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में, उनके टाइप्स की डेफिनेशन और साथ ही साथ एग्जाम्पल्स के बारे में। आई होप गाइज इतना आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, और इसके रिगार्डिंग आपकी अगर माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, और गाइज अगर आपको PDF चाहिए तो प्लीज़ आप चैनल पे कमेंट कर सकते हैं इससे रिलेटेड PDF के लिए। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त, बाय बाय।